इतना बेकार तो आपको यहाँ दिल्ली के अंदर कबाड़ियों की दुकान भी नहीं मिलेंगी, जिस तरीके से यहाँ पर इस बुद्ध विहार को बना रखा है। हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं बाहर देशों में जाते हैं, विदेशों में, और वहाँ पर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जब भारत के अंदर बुद्ध के निर्माण की बात होती है, बुद्ध के इतिहास की बात होती है, तो उसको दबाने का यहाँ पर काम लगातार हर कोई करता रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जगह जो एक ऐतिहासिक जगह बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भारत के आज़ाद होने के बाद एक बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति ने, यानी कि प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस जगह पर बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। आप ये पूरी जगह देख सकते हैं। दावा ये किया जाता है कि जितना भी एरिया ये है, कई गज में फैला हुआ एरिया है, जो कि पूरा बुद्ध की धरती को दिया गया था, यानी कि जो बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई थी यहाँ पर, बुद्ध विहार जिस तरीके से देश के अंदर बने हुए हैं, वही बुद्ध विहारों को यहाँ पर जो है इस देश के अंदर आज़ाद होने के बाद, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब भारत के अंदर पहली बुद्ध की प्रतिमा जो रखी गई थी वो इसी जगह पर रखी गई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इधर एक पार्किंग एरिया बना रखा है। दावा यहाँ पर यह किया जा रहा है जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चाहने वाले हैं, गौतम बुद्ध की जो उनके अनुयायी हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनका दावा ये है कि इस जगह को लगभग घेर लिया गया है। ये साइड में देख सकते हैं, इधर एक MCD एरिया दिखा रखा है यहाँ पर, मतलब जो उस तरफ आप दीवार के साइड देख सकते हैं, ये MCD ने एरिया ले लिया है। इस बुद्ध विहार का जो नाम बताया जाता है यहाँ पर, जो आज़ाद होने के बाद जब स्थापना यहाँ पर की गई थी बुद्ध की तस्वीर, मतलब जो प्रतिमा थी उसकी स्थापना जो की गई थी, तो यहाँ पर जो इसका नाम था एक बाग दीवार था, बताया जाता है कि यहाँ पर एक पूरा बाग था, चारों तरफ बाग था, और यहाँ पर नाम इसका रखा गया बाग बुद्ध विहार। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी मतलब आगे संघर्ष हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो बुद्ध के अनुयायी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्होंने इसका नाम चांदनी चौक बुद्ध विहार के नाम से रख दिया गया। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, जो डिजिटल भारत के अंदर एक पार्किंग जो लगातार आपने देखी होगी, डिजिटल तरीके से पार्किंग होती है, उसका निर्माण चल रहा है, ठीक है। और दावा ये किया जा रहा है क्योंकि बुद्ध विहार ये था, पूरे एरिया में फैला हुआ था, कई गज में इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगह बड़ी है, तो इसका अंदाज़ा नहीं है कि कितनी जगह बड़ी होगी, तो इसलिए कई गज के एरिया में ये फैला हुआ था। लेकिन अब बुद्ध विहार को जो है 250-300 लगभग 200 के आसपास गज में इसको छोड़ दिया गया है। पहले कई बीघा में इसकी ज़मीन थी, लेकिन अब जो है बुद्ध विहार को एक सीमित जगह दे दी गई है कि 200-300 गज का जो है प्लॉट सा है, उसमें बुद्ध विहार को एक जगह दे दी गई है। इस साइड देख सकते हैं, ये पहले बुद्ध विहार को दी गई थी, यानी कि उस साइड जब मैंने आपको पहले दिखाया था, उस साइड जब बुद्ध विहार था तो वहाँ पर जो है पार्किंग बना दिया गया MCD का, और अब यहाँ पर भी एक पार्किंग का निर्माण चल रहा है। लेकिन जब बात करते हैं गौतम बुद्ध की प्रतिमा की, कि जब स्थापना यहाँ पर हुई आज़ादी के बाद, तो उसके बाद से कोई भी निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, चारों तरफ हर तरफ आपको कूड़ा कचरा यहाँ पर मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा, इस देश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो उन स्थल से और इस स्थल की तुलना अगर की जाए, तो एकदम आप कह सकते हैं कबाड़ा टाइप का यहाँ पर बना रखा है। इतना बेकार तो आपको यहाँ दिल्ली के अंदर कबाड़ियों की दुकान भी नहीं मिलेंगी, जिस तरीके से यहाँ पर इस बुद्ध विहार को बना रखा है। उस साइड देख सकते हैं, इसकी बुद्ध विहार की जो है साफ़ सफाई, अभी जो है बुद्ध के अनुयायी जो है, जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पर भी कोई बुद्ध विहार है, तो उन्होंने इसकी साफ़ सफाई की है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कूड़ा कचरा यहीं आपको मिलेगा, कोई भी इसका निर्माण नहीं हुआ है। आज़ादी, आप समझ सकते हैं कि आज से करीबन 70 साल पहले इस बुद्ध विहार का निर्माण हुआ था, 70-75 साल पहले, लेकिन इन 70-75 सालों में इस बुद्ध विहार का कोई भी निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। आज आपने देखे होंगे बड़े बड़े देश के अंदर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, लेकिन जब बुद्ध की बात करते हैं, हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं बाहर देशों में जाते हैं, विदेशों में, और वहाँ पर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जब भारत के अंदर बुद्ध के निर्माण की बात होती है, बुद्ध के इतिहास की बात होती है, तो उसको दबाने का यहाँ पर काम लगातार हर कोई करता रहा है, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो या कोई भी धार्मिक लोग हों या हमारे देश के प्रधानमंत्री हों। देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जब भी बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं हम डॉक्टर अम्बेडकर के वहाँ से आए, हम बुद्ध की धरती से आए, लेकिन बुद्ध के निर्माण के लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। एक टीन यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ ये जो टीन है, ये अभी इसके हुलिये से आप देख सकते हैं कि ये अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर लगाई गई है, इससे पहले शायद ये भी यहाँ पर नहीं थी। तो इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो बुद्ध विहार के बारे में जो कुछ जानते होंगे कि क्या कुछ बुद्ध विहार का निर्माण कैसे हुआ, कितना पुराना बुद्ध विहार है, क्या कुछ इसका इतिहास है, तो उसको भी हम समझ लेंगे यहाँ पर। तो इस बुद्ध विहार के इतिहास को जानने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी, तो हम जानेंगे इनसे कि ये बुद्ध विहार जो है इसका क्या इतिहास रहा है और अब इसकी स्थिति क्या है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी जैसे मैं बता दूं, वर्तमान स्थिति तो यह है कि ये बुद्ध विहार अपना पुराना रूप का जड़ को मजबूत करते हुए सामने आ चुका है।
आपको मैं बता दूँ, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भारत की आज़ादी के बाद पहला ऐसा ये बुद्ध विहार था जिसको दफन कर दिया गया था। शायद ऐसा बुद्ध विहार इतिहास में और दूसरा देखने को नहीं मिलता। सम्राट अशोक द्वारा जो बड़े शिलालेख और बुद्ध विहार बनाए गए थे वो आज मिट्टी में दफन है, लेकिन वर्तमान समय का पहला दफन बुद्ध विहार ये आपका चांदनी चौक बुद्ध विहार है, जिस चांदनी चौक बुद्ध विहार को हमारी टीम ने संघर्ष करके पिछले 5 सालों में इसको उजागर किया है, खोद के दोबारा निकाला। यही वो ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमा है जो पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई, और ये प्रतिमा ऐतिहासिक प्रतिमा है जो कभी खुदाई में पाई गई थी, उसी प्रतिमा को यहाँ लगाया गया था। एक प्रतिमा और लगाई गई थी इसी स्थान पर जिसको अब हॉस्टल में पहुँचा दिया गया है, क्योंकि ये जो जगह थी ये कंपनी बाग की जगह थी। कंपनी बाग में बता देता हूँ क्या होता है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पर्यटकों के लिए एक बाग बनाती थी, आप बिहार में देख सकते हो, आप गुजरात में देख सकते हो, ऐसे ही दिल्ली में बनाया गया था, और वो बनाया गया था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। ये वही जगह है, और इसके सौंदर्यकरण के लिए दो बड़ी प्रतिमाएँ और दो और सारी कई प्रतिमाएँ और लगाई गई थी उस समय। तो सबसे पहली प्रतिमा जो लगी थी वो भगवान बुद्ध की लगी थी, उसके बाद में विक्टोरिया की लगी थी, उसके बाद में कई और प्रतिमा भी लगी थी, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो विक्टोरिया वगैरह सबकी प्रतिमा हटा दी गई, गांधी की भी लगी थी। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया, और इस जगह को भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार के निर्माण हेतु म्यांमार की बुद्ध विहार को दे दिया गया था, म्यांमार की सोसाइटी को। ये म्यांमार बुद्ध विहार के नाम से बनना था, और ये जगह पूरी ऑलरेडी डोनेट थी, लेकिन वो डोनेट जो जगह हुई थी जिसका बुद्ध विहार का निर्माण होना था वो दफन कर दिया गया, दबा दिया गया, और अतिक्रमण करके MCD द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा, इसमें मैं तीनों को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि देश की राजधानी के अंदर पूरे चकाचौंध के चांदनी चौक के एरिया में ये जगह है, और इतने बड़े बुद्ध विहार की जगह जो डोनेट थी, बुद्ध विहार था वो दफन कर दिया गया। जगह जो है वो कितनी बड़ी जगह होगी लगभग, आपको मैं बता दूँ, ये टोटल जो बाग दीवार हुआ करता था ये 56,000 गज की जगह का था, 56,000 गज की जगह को इन्होंने कम से कम 15 से 18 हिस्सों में तोड़ दिया है, उसमें से एक हिस्सा भी 3,500-3,000 गज की जगह जो बची हुई है इसी के अंदर ये प्रतिमा जो लगी थी, ये बुद्ध विहार की जो जगह की वो जो प्रतिमा लगी थी, लगाई गई थी नेहरू द्वारा, तो इस पर कब्जा कर लिया गया था, कब्जा करके दबा के यहाँ पे ढाबे डाल दिए गए थे। बाद में यहाँ पर 1980 से यहाँ पे संघर्ष चालू हुआ, हमारे समाज के कुछ लोगों द्वारा संघर्ष हुआ, फिर कुछ भंते लोग भी आए, बाद में यहाँ पर मारकाट भी छिड़ी है, झगड़े भी खूब हुए, लाठीबाजी भी हुई है, कोर्ट कचहरी भी हुई है, 15-15 दिन का धरना प्रदर्शन भी हुआ, एक लंबा संघर्ष रहा है 80-82 से लेके आज 2023 तक का, ये लंबा संघर्ष रहा है, ये बीच बीच में ये संघर्ष होता रहा, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि जब 80 में संघर्ष हुआ, 84 में संघर्ष हुआ, 89 में संघर्ष हुआ, 92 में, फिर 98 में हुआ, ये वो पॉइंट थे जब यहाँ पे संघर्ष हुआ। उन संघर्षों से ये तो पता लगा कि हाँ यहाँ कोई बुद्ध विहार था, कोई बुद्ध विहार बनाया गया था, कोई बुद्ध विहार की जगह दी गई थी, इतना ही पता लगा, लेकिन इसको संरक्षित करने में हमारे लोग कामयाब नहीं हो पाए।